दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप YouTube पर वीडियोस या फिर मूवीज देखते हैं तो काफी तेजी से आपके फोन का इंटरनेट डाटा खत्म हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। चाहे दोस्तों आपका डेली का 1 GB का प्लान हो, 1.5 GB का प्लान हो या फिर 2 GB का प्लान हो, कितना भी दोस्तों आपको डेली का इंटरनेट डाटा मिलता हो, अगर आप YouTube पर वीडियोस या फिर मूवी देखने आए तो अक्सर आप देखते होंगे आपके फोन का जो इंटरनेट डाटा है वो इतनी तेजी से खत्म होता है कि आपको पता तक नहीं चलता, पूरा का पूरा इंटरनेट डाटा खत्म हो जाता है। इसीलिए दोस्तों YouTube ने कई ऐसे हिडन फीचर ला दिए हैं जिसे अगर आप अपने YouTube ऐप के अंदर कर लेते हैं ना, तो आप चाहे दोस्तों दिन रात YouTube चला लो, आपके फोन का जो इंटरनेट डाटा है वो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। सही सुना गाइस आपने, YouTube ने खुद ऐसे ऐसे हिडन फीचर ला दिए हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। अगर आप उसे ऑन कर लेंगे ना तो आप दिन रात YouTube चलाओ भाई, आपके फोन का इंटरनेट डाटा खत्म होने का नाम नहीं लेगा, मैं लिख के देता हूँ गारंटी के साथ। तो कौन कौन से है वो हिडन फीचर अगर आप जानना चाहते हैं जिससे आपके फोन का इंटरनेट डाटा पूरा का पूरा सेव होगा, तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको YouTube के उस सभी हिडन फीचर के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप यहां पर ऑन कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप दिन रात YouTube चलाएंगे तो भी दोस्तों आपके फ़ोन का इंटरनेट डाटा खत्म होने का नाम नहीं लेगा। बस आपको जो जो हिडन फीचर मैं बताने जा रहा हूं उसे YouTube ऐप के अंदर ऑन कर देना है। तो सबसे पहला काम करना है अपने YouTube ऐप को अपडेट कर लेना है Google Play Store से, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपको जो जो हिडन फीचर मैं बताऊँगा ना वो नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले अपडेट करना है, उसके बाद YouTube को ओपन कर लेना है। इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं। अब जब आप YouTube को ओपन करेंगे तो सबसे पहले नंबर का जो हिडन फीचर है उसे ऑन करने के लिए आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड एंड डाउनलोड, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह देखेंगे जो प्लेबैक है यह ऑलवेज ऑन पर सेट हो रखा है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे ऑलवेज ऑन से हटाना है और इसे दोस्तों आपको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है, पूरा का पूरा आपको इसे बंद कर देना है ताकि दोस्तों बैकग्राउंड में डाउनलोड ना हो सके। क्योंकि दोस्तों YouTube क्या करता है, जो चीज आपको पसंद होती है उसे बैकग्राउंड में डाउनलोड कर देता है, डाउनलोड करने के बाद ताकि आप इंटरनेट ना हो तो भी उसे देख पाए। तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन का इंटरनेट डाटा ही यूज होता है, तो उसे रोकने के लिए दोस्तों आपको इसे यहां से बंद कर देना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कैसे आप बंद करेंगे। तो ये पहला हिडन फीचर है जिसे आपको यहां से बंद कर देना है। अगर आप अपने YouTube ऐप को अपडेट करेंगे तभी जाके दोस्तों ये सभी फीचर मिलने वाले हैं, ठीक है, जो जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। अब पहला सेटिंग करने के बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरे नंबर की सेटिंग की, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर का सेटिंग है दोस्तों इसे कैसे आप ऑन करेंगे और इससे फायदा क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जब भी दोस्तों हम YouTube चलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा जो YouTube है ना मीन्स ऑटोमेटिक जो वीडियोज़ है उसे प्ले कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियोज़ है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जा रही हैं, हम प्ले नहीं कर रहे हैं फिर भी जो वीडियोज़ हैं वो ऑटोमेटिक प्ले हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं ना। तो ऐसे में दोस्तों यूज़ क्या हो रहा है, हमारे फ़ोन का इंटरनेट डाटा यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उसे रोकने के लिए दोस्तों आपको ये दूसरे नंबर का सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग के अंदर वापस से आपको आ जाना है। सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको जनरल के ऊपर क्लिक करना है। अब जनरल के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा प्ले बैक इन फीड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये भी ऑलवेज ऑन पर सेट होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसे भी दोस्तों आपको ऑफ कर देना है, ठीक है। इसे अगर आप ऑफ कर देंगे उसके बाद दोस्तों आप YouTube पर इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वीडियो जो है ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा। जब तक दोस्तों आप खुद उस पर क्लिक करके प्ले नहीं करते तब तक कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक प्ले नहीं होगा, समझ गए। तो ये दूसरे नंबर का सेटिंग है जो आपको यहाँ पर कर लेना है। जिसके बाद दोस्तों मैं आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बता देता हूँ। ये जो तीसरे नंबर का सेटिंग है इससे भी दोस्तों आपके फोन का इंटरनेट डाटा बहुत ही ज्यादा सेव होगा। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, वापस से सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको डाटा सेविंग देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे पहले दोस्तों ऊपर से आपको ये जो डाटा सेविंग मोड दिया है इसे यहाँ से ऑन कर देना है। इसे आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो सेटिंग है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो सेटिंग है इसे बंद कर देना है ताकि जो वीडियो की क्वालिटी है वो रिड्यूस ना हो।
मतलब कि कम इंटरनेट के अंदर ही आपको अच्छी क्वालिटी में वीडियो यूट्यूब दिखाए, समझ रहे हो। तो इस सेटिंग को आपको यहाँ पर बंद कर देना है, बाकी सभी सेटिंग को अगर आप चाहिए तो ऑन करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पहले नंबर का जो सेटिंग है इसे तो ऑन ही करना है। तो यहाँ पर ये जो सेटिंग मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको यहाँ पर कर लेना है। ये तीसरे नंबर का सेटिंग है, इसका नाम ही डाटा सेविंग है। आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं यूट्यूब ने खुद इसे जो है इंट्रोड्यूस किया है, इससे आपका जो इंटरनेट डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा सेव होता है, तो इसे आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर का सेटिंग है वो भी इसी के अंदर ही देखने को मिल जाता है, एकदम लास्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि है मोबाइल डाटा यूजेस रिमाइंडर। आप यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल डाटा यूजेस रिमाइंडर, और ये भी जो है बाय डिफॉल्ट बंद होता है सभी फ़ोन के अंदर। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसे आपको ऑन करना है। ऑन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछेगा कितना MB यूज़ होने के बाद, ये आपको बताए। जैसे कि होता है ना यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता आपके मोबाइल डाटा में से 1 GB यूज़ हो जाता है, 500 MB यूज़ हो जाता है, और आप चाहते हैं यार मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 100 MB या फिर 200 MB ही यूट्यूब पर खर्च हो। तो ऐसे में यहाँ पर आप इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ 200 MB ही यूट्यूब पर खर्च हो, तो यहाँ पर 200 MB मैंने टाइप कर दिया है। फिर इसे आपको ओके कर देना है और ये जो है यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों YouTube पर हमारा 200 MB पूरा हो जाएगा, YouTube खुद हमें बता देगा कि भाई आपका 200 MB यहाँ पर यूज़ हो चुका है, अब आप YouTube को बंद कर दीजिए, समझ गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, जिससे कम इंटरनेट जो है आपका यहाँ पर खर्च होगा, फालतू में यहाँ पर आप ज़्यादा इंटरनेट खर्च नहीं कर पाएंगे, समझ गए। तो ये फोर्थ नंबर का सेटिंग है जो आपको यहाँ पर ऑन कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको पांचवें नंबर का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूँ यूट्यूब का, जिसे अगर आप ऑन कर लेंगे तो भाई आपके फ़ोन का इंटरनेट डाटा खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, समझ लो। तो उसे ऑन करने के लिए आपको करना क्या होगा, वापस से प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा वीडियो क्वालिटी प्रीफ्रेंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अलग अलग जो है क्वालिटी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली बोल सकते हो ना, जब भी आप वीडियो को प्ले करते हैं तो एकदम हाई क्वालिटी में भाई वीडियो प्ले होती है, जिसे देखकर तो आपको मज़ा आता है, लेकिन भाई आपके इंटरनेट डाटा को मज़ा नहीं आता, वो तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए, उसे बोल सकते हो कम करने के लिए, आपको करना क्या होगा, ये डाटा सेवर दिया है ना, इसके ऊपर आपको सेट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, समझ लो। तो इसे आपको मोबाइल नेटवर्क वाला यहाँ पर सेट करना है, वाईफाई वाला अगर आप किसी पे भी रखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो मोबाइल का डाटा बचाना है ना। तो उसके लिए दोस्तों ये जो मोबाइल डाटा है, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दोस्तों आपको ये डाटा सेवर पर सेट कर देना है, जिसके बाद जब भी आप वीडियो देखेंगे तो जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बोल सकते हो एकदम अच्छी आएगी, लेकिन जो इंटरनेट है वो बहुत ही कम खर्च होगा। तो ये जो जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग, जो जो इम्पॉर्टेंट हिडन फीचर थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जिसे अगर आप कर लेते हैं अपने YouTube ऐप के अंदर तो बोल सकता हूँ 90% तक दोस्तों आप अपने फ़ोन का इंटरनेट डाटा बचा सकते हैं, वो भी दोस्तों चाहे आप कितना भी YouTube चला लो, चाहे आपको डेली का 1 GB मिलता हो, 2 GB या फिर 3 GB, जितना भी आपका प्लान हो, आप बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ना अपना इंटरनेट बचा सकते हैं ये सभी हिडन फीचर का यूज़ करके। तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।